हो गया, मुझे लग नहीं रहा था गाइस इतना कुछ हुआ है। तो भाई साहब यहाँ तो मतलब बालाज वैसे बाइकर गैंग ज्यादा ही बड़ा कांड सीन हो गया गाइस। आया ना, देख रहा है, देख रहे हो, अब हो गई ना पोस्ट, अब कुछ नहीं बोल सकते, फालतू मत ना बोलो, अपनी सिगरेट गिरी उठा लो चुपचाप। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग, होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो माइकल दादा पूरे चिल वेल कर रहे हैं यार, अब तो प्रमोशन वर्मोशन हो चुका है। तो गाइस आज मैं एक चीज और बता दूं, जो इनकी ड्रेस थी वो अपग्रेड वाली ड्रेस भी आ चुकी है। मांडा यहाँ पे दारू पी रहे पर मैं कुछ कह नहीं रहा। चलो मेरे सेलिब्रेशन कर रही है कि मैंने मेरा प्रमोशन वगैरह हो गया, तो अब तो मतलब इसके भी खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उस चीज़ में ये मतलब सेलिब्रेशन वगैरह कर रही है। तो आज मैं कुछ नहीं कर रहा, और मैं भी देखो सुट्टे उट्टे लगा रहा हूँ इसके सामने, तो ये भी कुछ नहीं बोलेगी। तो गाइज आज सीन का ऐसा कि जो हमें नई गाड़ी लेनी थी, जो फॉर्चुनर हमें वाइट कलर में चाहिए थी, वो सीमियन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए गाइज कि मैं क्या ही बताऊँ। अरे अरे मांडा यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो गाइज एक बार यहाँ से थोड़ा देखते हैं बाहर का माहौल, कि सुबह है, सुबह मॉर्निंग से हो रखी है, तो अभी लाइटें वगैरह जला रखी है, और सुबह के 5 बजे से हुए हैं। तो देख रहे हो 5 बजे दारू पी रही है मांडा, अब क्या ही बोलूँ मैं, चलो छोड़ो यार। तो गाइज सीन ऐसा है कि जो हमारा मतलब कि जो गाड़ी थी फॉर्चुनर जो मंगाने वाले थे, वो मतलब बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा, ना सीमियन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, ना कुछ कंपनी डीलर्स की तरफ से कुछ फ़ोन है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं और जिमी वहाँ पर जाने वाले हैं, और वहाँ पर देखने वाले क्या सीन चल रहा है गाइज, तो वहाँ पर सीन देखते हैं एक बार चल के, मतलब सुबह हो तो होने दो अभी, और फिर वहाँ पर जाएंगे। और गाइज एक कुछ क्राइम सीन हो गया है मतलब पलीटो बे साइड, तो उसे भी वहाँ पे भी आज मुझे मतलब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मतलब जाना पड़ेगा मतलब अब तो। और गाइज एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ, जो मेरे को पुलिस वालों की तरफ से गाड़ी मिलने वाली थी वो भी आने वाली है थोड़ी देर में ही मेरे घर पे, तो उसको भी आज आप देख पाओगे कि मेरे को कौन सी वाली नई गाड़ी मिलने वाली है पुलिस वालों के थ्रू। और एक मैं अपना पर्सनल व्हीकल तो खरीद ही रहा हूँ, तो लेट्स गो गाइज। थोड़ा सुबह चाय वाय या कुछ बना रखा मांडा ने, वैसे कुछ बनाए क्या ही होगा, खुद तो दारू पी रहे गाइज वहाँ पे, तो मैं तो ये करेले का जूस ही रहता है, थोड़ी एक दो घुट लगा ली जाए यार, प्रमोशन हुआ तो बनता है गाइज, प्रमोशन हुआ तो एक घुट तो बनती है, पर ये पी लेते हैं। चलो यार पी ले माइकल साहब, पी लो माइकल साहब कह रहे ना, मैंने नहीं पीनी, पर माइकल साहब पियेंगे आज, बिल्कुल पियेंगे यार, उनका प्रमोशन हुआ। मैं इसकी यहाँ देख रहे हो गाड़ी वूड़ी दे रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, इतना अच्छा प्रमोशन। तो भाई एक घुट ये लगा ली हमने, तो बस एक घूटी लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सुबह सुबह ड्यूटी पे गाइस, तो फिर ड्यूटी पे भी जाना हमें, तो बस इतना ही है। डोक बोतल का ढक्कन वक्कर बंद कर दिया। तो गाइस अब हमें मतलब थोड़ा इंतज़ार करते हैं, तो आप सबको फिर मैं अपनी नई ड्रेस में मिलता हूँ चेंज करके, और अपना नया व्हीकल दिखाता हूँ जो अभी आने वाला थोड़ी देर में पुलिस वालों की तरफ से। तो लेट्स गो। तो फाइनली देख सकते हो गाइज माइकल दादा की नई वाली ड्रेस, बैच वगैरह पूरा टोरा कते, रेडियो वगैरह कते, देख सकते हो आज फर्स्ट डे है प्रमोशन के बाद, और एक केस सोल्व करने में हमें जाना है। तो गाइज पहले तो मैं जिमी को लेके जाऊंगा सीमियन के पास, सीमियन के पास देखते हैं क्या सीन है भाई, गाड़ी आई नहीं आई, तो वैसा वो मैंने बताई थी। और बाकी यार ये ट्रेसी कितनी चिल्ला रही है भैंस, क्या इसको समझाना पड़ेगा गाइज, क्या ये घर है धर्मशाला है ये भैंस की, ये पड़ी पड़ी यहाँ पे बातें कर रहे, थोड़ा धीरे दिख रहा, धीरे बोल रहे, इतने तेज तेज बोले जा रही है, पड़ी पड़ी कुछ काम तो करती नहीं, ऑनलाइन क्लास ले लेती है गाइस। ये कोरोना ने भी भाई जी खराब कर रखा है इनके, मतलब कॉलेज वगैरह खुल नहीं रहे अभी तक, लॉस सैंटोस में तो खुलेंगे लेकिन जल्दी भाई बोल रहे हैं अक्टूबर से खुल जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, तो इधर चलते हैं एक बार अमांडा को देख ले, तो ठीक है या नहीं है। अमांडा तो गाइस अभी भी पी रही है मेरी प्रमोशन की खुशी में, और बाकी मैं जूस वगैरह भी पी लेता हूँ गाइस, यार जूस वगैरह काफ़ी हेल्दी होता है सुबह सुबह, तो मेरे लिए जूस बना देती है जो हमारी मेड है यहाँ की। तो लेट्स गो जूस पी लेते हैं, और ये करेले का जूस मैंने पी लिया गाइस, देख सकते हो भाई बड़ा बड़ा कड़वा है भाई, देख सकते हो रिएक्शन से देखते हो आप लोग कितना कड़वा जूस है। तो गाइस अब चलते हैं, हमारी जो नई गाड़ी आ चुकी है, जो आपको मैं नई गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो है मेरी पुलिस वालों की तरफ से दी है, तो वो ठीक ठाक है गाड़ी, इतनी कोई ज़्यादा खुश होने की बात भी नहीं है। तो गाइज ये वाली कुछ गाड़ी आई है, मैसा होता है इसका नाम, तो मुझे ये वाला मॉडिफाई करा के दिया गया है गाइज पुलिस वालों की तरफ से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो गाइज, मतलब ये स्पेशल जो केसेस सोल्व करते हैं उनको ही दिया जाता है आफ्टर ए, मतलब कि मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद गाइज ये वाली गाड़ी दी जाती है। और गाइज सायरन वगैरह भी है इसका, तो मैं कुछ पहले इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं, फिर आपको मतलब कुछ देख सकते हो। इंटीरियर वगैरह ये है इसका, मतलब नॉर्मल इंटीरियर है, कुछ नहीं है, मतलब गाने वगैरह सुन सकते हैं, मेन्यू वगैरह है देख सकते हो पुलिस के बारे में, और बाकी बाहर से कुछ ऐसा ये ऐसा देख सकते हो गाइज, इस साइड पलीटो बे लिखा हुआ है, पलीटो बे की साइड मेरी ज़्यादा ड्यूटी है, और उधर की साइड ही मतलब आज का केस भी आया हुआ है, और मेरा रेडियो भी चालू हो गया, जैसे कि आपको आवाज़ ही आ रही होगी। तो ओके गाइज, और बाकी इसका सायरन वगैरह ऐसा है, सायरन वगैरह काफ़ी अच्छा है गाइज, तो यहाँ पे से अब लेके चलते हैं इसको, अब पुलिस वाले को वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, अपनी प्रेजेंट वगैरह लगाते हैं, और जिमी को फिर मैं बुलाता हूँ वहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन के उधर ही, क्योंकि जिमी अभी गया हुआ है शूटिंग के लिए गाइज बाहर, तो
देख सकते हो बाकी मतलब एक नंबर का मतलब मिला है मेरे को ये मैसा ट्रक, ट्रक ही बोल सकते हो गाइस, गाड़ी तो क्या ही बोलोगे, तो देख सकते हो भैंस के यहाँ क्या ही मस्त है। और बाकी मैं इसको मॉडिफाई भी कराऊंगा अपने तरीके से। तो लेट्स गो गाइस पुलिस स्टेशन पे चलते हैं, फिर जिमी को भी बुला लेता हूँ पुलिस स्टेशन पे शूटिंग के, उधर वो शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो लेट्स गो गाइस, तो लेट्स गो गाइस हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं पुलिस स्टेशन के साइड पे। तो लेट्स गो एक बार प्रेजेंट वगैरह लगा देते हैं, केस वगैरह आज का मुझे पहले से बता दिया, कल रात को फोन आ गया था कि उधर की साइड कुछ गैंग वो रही है, जो बाइकर गैंग है और जो दूसरी गैंग है जो ग्रूव स्ट्रीट वाली गैंग है उसके बीच में कुछ झगड़ा हुआ बालाज वगैरह के, मतलब कुछ देखने के बाद ही पता चलेगा गाइस। तो यहाँ पे ये वाले सर खड़े हैं, इनको मैं एक बार रिपोर्ट कर देता हूँ। तो ये देखो चश्मा वगैरह पहन के क्या कर क्या रहे हैं। तो सर जी मैं आ गया, हाँ हाँ सुट्टा लगा लो आप। अरे 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 सर गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा आया ना फिर, देख रहे हो गुस्सा आया ना, देख रहा है देख रहे हो, अब होगी ना पोस्ट, अब कुछ नहीं बोल सकते, फालतू मत ना बोलो, अपनी सिगरेट गिरी उठा लो चुपचाप। तो गाइस ये वाले जो थे ये मेरे से पहले आपने देखा ही होगा कितना मतलब इज्जत से बात नहीं करते, और अब इनको गुस्सा है मेरे से क्योंकि मैंने इनसे ज़्यादा ऊपर वाली हायर पोस्ट ले ली है। तो गाइस एक बार यहाँ पे प्रेजेंट लगा देते हैं अपने रजिस्टर में अंदर। तो अभी जो हमारे सीनियर है कमिश्नर है वो तो आएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे जो टेबल वगैरह पे पड़ी है यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह करके शायद बार में जिमी को फ़ोन कर देता हूँ, जितने फिर मिलते हैं गाइस सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर ही। आप जिमी भी आ चुका है और मैं अभी मतलब कार के साथ फोटो वगैरह खिंचवा रहा था नई वाली के साथ, तो जिमी मेरी फोटो की तरह, तो जिमी भी आ चुका है यार। जिमी को एक बार कॉल करा तो काफ़ी अच्छा बच्चा हो रहा आजकल, तो एक बार ही भी मान जाता है। तो गाइस अब चलते हैं, मैं और जिमी अपनी गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं जो हम सिमियन से लेने वाले हैं, और उसके बाद मुझे जाना है पलीटो बे साइड कुछ काम के लिए, जैसा कि उधर कुछ केस आया हुआ है मुझे मैंने बता ही दिया। तो एंटी को देख रहे हो, चलो रेड लाइट है, रेड लाइट पे आजकल हम क्यों फॉलो करेंगे गाइस, अब तो पूरे टोरे में चलेंगे कहते इसका प्रयोग करते हुए। तो गाइस देख रहे हो कहते इसका प्रयोग करेंगे, पर ऐसे मिसयूज़ नहीं करना हमें इसका, कभी कभी मतलब मिसयूज़ के चक्कर में कांड भी हो जाते हैं। तो गाइस हम अभी प्रमोशन हुआ है, कोई कांड मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस अब चलते हैं हम सीधा सीपीओन की जो स्टोर है वहाँ पे, जो उसका शोरूम है कुछ भी मान लो यार, वो छोटी सी दुकान है भैंस के यहाँ। अरे ग्रीन लाइट से दिख नहीं रहा गे भैंस के यहाँ, चलो छोड़ो यार सुबह सुबह पंगे नहीं करते। तो गाइस अब सीधा मिलते हैं आपको सीपीओन की दुकान पे ही। गाइस हम पहुंच चुके हैं सीपीओन के शोरूम के बहुत ही करीब, तो लेट्स गो अब यहाँ से हमें आगे राइट कट लेना और उसका शोरूम आ जाएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं मैं और जिमी इस साइड, तो चलो गाइस यहाँ पे आगे खड़ी कर देते अपनी गाड़ी, यहाँ पे खड़ी कर देते एक बार, पार्किंग लगा देते अच्छे से, बाकी फिर चलते हैं अंदर की साइड। आधा जिमी गाइस जिमी भी आ चुका रहा, तो पूरे टोरे में आऊँ मैं देख सकते हो। गाइस चलते हैं अंदर की साइड यहीं से, तो लेट्स गो। तो भाई सीमियन की तरह कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, भैंस की सीमियन भी नहीं है। ऑफिस में देख लेते गाइस एक बार, ऑफिस भी शायद बंद ही लग रहा मुझे गाइस, कोई दिख नहीं रहा यहीं से, दिख गया कुछ नहीं है गाइस ऑफिस में भी। तो सीमियन है किधर, ये क्या शोरूम बंद तो नहीं कर दिया गाइस इसने, मतलब कोरोना के टाइम पे कुछ डिलीवरी वगैरह यार गाड़ियाँ वगैरह तो बिक ही रही थी। तो गाइस कुछ भी नहीं है, पूरा शोरूम खाली पड़ा भैंस की, है किधर ये सीमियन, ओ सीमियन, वो सीमियन आ रहे यार तू यहाँ है यार, मैं इतनी देर से तेरे को बाहर ढूंढ रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है गाड़ी वाड़ी, तो क्या हो गया सीमियन मेरी गाड़ी नहीं आई। अच्छा अरे अरे चल कोई नहीं यार, कब हुआ ये रोबरी, अरे भाई भाई भाई, अरे चल कोई नहीं चल, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी आई थी नहीं आई थी उसमें, अच्छा चल यार मैं बच गया, तो मेरी गाड़ी कब तक आ जाएगी, नेक्स्ट मंडे तक देख ले पक्का, चल ठीक है यार, चल कोई नहीं, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दियो, मेरा प्रमोशन भी हो गया, चल कोई नहीं चल। तो यार राजा जी भी तुझे यहाँ पे बताता हूँ, तो गाइस जो सीमियन कह रहा कि उसकी मतलब यहाँ पे जो है ये वाला शोरूम उसमें चोरी हो चुकी है, सारी गाड़ियाँ थी वो चोर चुरा के ले जा चुके हैं, और वाइज वहाँ पे सीमियन वो कुछ मशीन से ठीक कर रहा है और देख रहा है कि मतलब काफ़ी सैड है जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो गाइस अब क्या ही कर सकते हैं भाई चोरों का, तो भैंस के यहाँ काफ़ी क्राइम बढ़ गया, बाकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिख ही दूंगा सीमियन की, बाकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बैठ जा जी मैं यार, अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, तो चलते हैं यार फिर जिमी को छोड़ देता हूँ मैं घर पे, और फिर आप सबको पलीटो बे साइड ही मिलता हूँ, फिर और क्या ही कर सकते हैं गाइस, वहाँ आपका केस आया, वहाँ केस जाके देखते हैं क्या सीन है गाइस। तो ठीक है फिर जिमी को छोड़ते हैं, फिर साहब को सीधा पलीटो बे पे। तो ठीक है गाइस अब हम जा रहे हैं पलीटो बे की साइड, वहाँ पे कुछ मटर वगैरह का सीन हुआ तो वो भी जाके संभालना गाइस, और आगे से मतलब पास में है वो लोकेशन, तो वहाँ भी जाके देखते हैं यार ऐसा क्या सीन हो गया। भैंस की सुबह से मेरे को इतने फ़ोन कर चुके कि आप आए नहीं आप आए नहीं आप आए नहीं, तो गाइस अरे भैंस की क्या इतनी पुलिस इतनी एम्बुलेंस वगैरह, मुझे तो यही दिख रहा बाकी मुझे साइड में लगाना लेना चाहिए, यहाँ पे मामला कुछ गंभीर तो भाई मीडिया वगैरह भी आई है, तो थोड़ा मतलब मीडिया वगैरह से तो बच चुकी। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे इधर खड़ी कर देता हूँ,
इतना क्या हो गया, मुझे लग नहीं रहा था गाइस इतना कुछ हुआ है। तो भाई साहब यहाँ तो मतलब बालाज वैसे बाइकर गैंग ज़्यादा ही बड़ा कांड सीन हो गया गाइस। तो देख सकते हो ये भाई साहब उधर मतलब भाई डॉक्टर वगैरह भी आए हुए हैं गाइस, और देख सकते हो पुलिस वाले, भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा सीन हुआ मुझे लग रहा है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ अपनी जो सीनियर है मैडम उससे, तो सीनियर मैडम इधर ही होगी तो वो खड़ी गाइस। तो इधर कुछ पता नहीं है कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह भी खड़े थे यार गाइस। ज़्यादा मेरे से अब इनसे बात करना अलाउ नहीं है, मेरे को बोला था कि एक बार सिचुएशन पता करके आना कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो गाइस एक बार इस मैडम जी को पूछ लेते हैं। हाँ जी मैडम जी, फिर सब ठीक है? अरे अरे थोड़ा लेट हो गए, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, आप भी छुट्टे उट्टे लगा रहे हो? अच्छा तो सीन क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ वही मेरे को तो बालाज वर्सेस बाइकर गैंग के बीच में कोई बहुत बड़ी फाइट हुई है ऐसा पता चला, और वहाँ पे कोई लोग भी घायल हुए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आप सब नॉर्मल है ना? हाँ मैं यहीं हूँ। तो गाइज मेरी बात हो चुकी है मैडम, मैडम जी कह रही है कि बालाज वर्सेस बाइकर गैंग ही यहाँ पे फाइट हुई थी काफ़ी मतलब बड़ी वाली। तो कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, अब मतलब कंट्रोल में सिचुएशन। बाकी यहाँ पे देख सकते हो मीडिया वगैरह कितनी ज़्यादा आई हुई है, देख सकते हो गाइज इस साइड भी। भाई 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 देख सकते हो ये टिकटॉक के लिए रील भी बना रहे हैं शायद गाइज, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन ये लॉस सैंटोस वाले, ये भैंस के इतने भाई मीडिया से ज़्यादा तो फोटो भाई ऐसा भैंस भाई, मिलिट्री वगैरह भी आ रही थी। तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा सीन हुआ गाइज, देख सकते हो आप। बाकी तो गाइज अभी ये वाला केस सुलझाने में मेरे को मतलब काफ़ी मदद करेंगे मीडिया वगैरह, क्योंकि काफ़ी प्रूफ होंगे यार गाइज, ये जो टीवी पे दिखाएंगे उससे काफ़ी क्ल्यू मिलेगा। और बाकी देख सकते हो तो कितनी भीड़ आई हुई है इस साइड, देख सकते हो तुम भैंस की, हर पुलिस वाला भैं यहीं है गाइज, और मेरी गाड़ी यहीं है। तो गाइज मैं इधर साइड खड़ा हो जाता हूँ, फिर देखते हैं जो ऑर्डर है मेरे को जो आएंगे ऊपर से कमिश्नर की तरफ से, फिर एक्शन लेना पड़ेगा हमें मतलब इन गैंग के बीच में। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो इतने रखते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी फॉर्च्यूनर बहुत ही जल्दी आने वाली है उसके लिए भी वेट करो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।